हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने से लेकर नौवें महीने यानी कि आखिरी महीने तक ऐसा एक सिम्टम के बारे में। अगर ये सिम्टम आपको अपनी प्रेगनेंसी में देखने को मिल रहा है दोस्तों, इट मीन्स आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल में जेंडर प्रोटेक्शन करने का एक तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे वो सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो आपके शरीर में इतने सारे बदलाव होता है, इतने सारे चेंजेस होता है जिससे आप इजीली घर बैठे बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको लड़का या लड़की होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने एक ऐसा सिम्टम देखा था जो कि मेरी दोनों बेबी बॉय के समय हुआ था, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वो है प्रेगनेंसी के दौरान सर में बहुत ज्यादा दर्द होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी जो महीने होते हैं यानी कि जो छठा, सातवां, आठवां और नवे महीने, ये जो चार महीने होते हैं, इस महीनों में आपको बहुत ज्यादा हेडेक होगा अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लेटर करके लव यू, बाय।